नहीं देखो देखो एक स्पीड लाओ, पता नहीं ऑटो मिलेगा कि नहीं। खुश है कि वो इसको आज बहुत दिन के बाद हम कहीं ले जा रहे हैं। लिफ्ट भी है, मौली पूरा खुश ना बेटा। वही अच्छा है। हाँ। जाओ तो उसको रख के आओ। एकदम बारिश हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, रुकने का तो नामो निशान नहीं है। हाँ बता दिए, ये भी बता दिए बेटा। ये एवरीवन वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया है गाइस, ठीक ठाक है। तो आज कितना तारीख है? आज देखिए, आज डेट है 3 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहा है। मौली अभी आई है स्कूल से थोड़ी देर पहले, और मौली पता है स्कूल से आकर के अभी क्या बोलती है हमसे कि मम्मा मेरी सारी फ्रेंड लोग ना अच्छा अच्छा टिफिन लाती है और तुम बस हमको रोटी पराठा दे देती हो। और मेरे फ्रेंड तो स्कूल पे टॉफी चॉकलेट और बस आ गया, और तुम रोटी एप्पल पराठा देते सब्जी देते। गाइज ये हमको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि क्या कर रही है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम इसको मतलब पराठा, ज्यादातर रोटी पराठा पूड़ी यही सब देते हैं, और 1 किलो का फ्रूट लंच होता है, फ्रूट बॉक्स भी देना होता है, तो अलग से उसमें ना एप्पल या कोई भी फ्रूट डाल देना होता है, तो अक्सर एप्पल ही दे देते हैं। एप्पल तो अच्छा भी है लेकिन बनाना, अभी मौसम थोड़ा ऐसा है ना और इसको जल्दी थोड़ा सर्दी खांसी सब लग जाता है, तो हम बनाना वगैरह देना अवॉइड करते हैं और अनारी खाती नहीं है। तो ये हमसे बोली ना कि मम्मी मेरी फ्रेंड लोग सब अच्छा अच्छा टिफिन लाती है, तो हमको ना मन में हम सोचने के लिए मजबूर हो गए कि कहीं हम अपना बच्चा को ऐसे ही मतलब रोटी पराठा दे देते हैं, और ये सबका देखती होगी क्योंकि अभी बच्ची है। तो अभी पता है क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे रिलायंस फ्रेश मौली को ले करके, और इसके खाने पीने के लिए जैसे कुछ फालतू फालतू चीज़ नहीं जो हेल्दी भी हो और इसके टिफिन में हम दे सके, जैसे कुछ स्नैक्स वगैरह तलूल के देने के लिए, क्योंकि बच्चा है ना स्कूल में, कुछ अच्छा अच्छा टिफिन उफिन और लोग को देख करके भी लगता होगा। तो अभी हम मौली को लेकर के जाएंगे यहाँ पे रिलायंस फ्रेश, जो कि हम अभी तक गए नहीं है। हाँ बोलो गाइस को बताया दो आगे बर्थडे के लिए कैंडल मंगा देंगे बर्थडे के लिए। तुम्हारा बर्थडे आने तो दो, तुम्हारा बर्थडे है, बाबू का बर्थडे है 23 फरवरी, 23 फरवरी को है। क्या हुआ? हाँ चिल्लाओ नहीं, अभी ना पता है बारिश रुका हुआ है, हम सोचे निकी चलो थोड़ा सा चलना ना इसके लिए, इसका टिफिन में देने के लिए ना कुछ कुछ सामान खरीदने, कुछ स्नैक्स ऐसा कुछ, और ढोकला ओकला बनाने का सामान। चलो रिलायंस फ्रेश यहाँ का कभी नहीं गया, चलोगी का? चलो इसको भी लेके चलते हैं। अच्छा ठीक है, इधर से खिला उला करके गाय वाय को और मछली को दे करके दाना उना, फिर चलते हैं। चलो तैयार होकर के इसको भी ले चलते हैं, कहीं जाती नहीं है रे, जाती नहीं है तो देखो कैसे एकदम चिड़चिड़ा जाती है। हाँ चिड़चिड़ा जाती है। चलोगे ना बाबू? कैसा कैंडल? अच्छा ये कैंडल, ये कैंडल तुमको क्या करना है? बर्थडे के लिए मंगाना है बाबू को। हाँ। अरे मेरा बच्चा, मंगा देंगे ठीक है। देखो टेबल पे लग के हैप्पी बर्थडे टू यू मौली, हैप्पी बर्थडे टू यू मौली। अब मेरा बच्चा सुनो, तुमको टिफिन में क्या क्या चाहिए बाबू बोलो तो मम्मा को। स्नैक्स चाहिए। अभी हम निकी मौसी चल रहे है, मेरे बाबू को जो चाहिए होगा ना हम दिला देंगे ठीक है। ओके हाई फाइव या मेरा बच्चा। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद जाएंगे इस पे बर्थडे केक का करना ठीक है। इस पे नहीं निकलेगा बेटा, इस पे कैसा झूठ कम बोलो, झूठ कम बोलो। इसमें नहीं निकलेगा, बर्थडे केक। एक मिनट रुको,
बर्थडे केक। विकिपीडिया के अनुसार जन्मदिन का केक किसी व्यक्ति के जन्मोत्सव के अवसर पर काटा जाने वाला एक विशेष प्रकार। ठीक है, ऐसे करके देखना। ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर है ना। देखो ये केक। कौन सा केक? यूनिकॉर्न वाला केक। हाय, मेरा बच्चा को यूनिकॉर्न कितना पसंद है। इसको यूनिकॉर्न का सारा सामान इतना पसंद है ना, इतना पसंद है, दिन भर यूनिकॉर्न का सामान देखते रहेगी। बैग, ये वो। इसका जो हम बैग लिए थे इसके स्कूल जाते समय, देखिए उसमें भी छोटा सा यूनिकॉर्न बना हुआ था, ये देखिए। इसको बहुत पसंद है। अभी ना दाल चावल बना रहे हैं, मौली को खिलाएंगे और थोड़ा बहुत हम लोग को भी खाना होगा तो खाएंगे, उसके बाद जाएंगे इसको लेकर के। आज बोली ना, हमको बड़ा खराब लगा अंदर से कि मम्मी मेरी फ्रेंड लोग ना अच्छा अच्छा टिफिन लाती है, मम्मी बच्चा लोग है थोड़ा बदल बदल के देना भी चाहिए, लेकिन हम है कि पराठा रोटी पूड़ी भुंजिया बस यही देते हैं। तो हम बोले नहीं, अभी हम जा रहे हैं, यहाँ का रिलायंस फ्रेश यहाँ रेड़मा में खुला है और हम वहाँ गए नहीं है, तो हम बोले नहीं अपने हाथ में अभी सैलरी भी है तो नहीं है तो बाबू के लिए जो जो उसको चाहिए मतलब टिफिन में बदल बदल के दे, तो कुछ खाने पीने का चीज ले ले बच्चे के लिए। देखो केक पे कपकेक भी लगा है। अच्छा ठीक है, सब केक चलो। अच्छा तुम्हारा बर्थडे में हम तुमको सब दिला देंगे बाबू, सब केक चलो। ठीक है, ओके। देखो ये एक ठुला करके चॉकलेट दे दिया। मेरे पापा कल लाए थे वो ही। देखो मैं बर्थडे केक। अच्छा थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो भैया को, थैंक यू बोल दो। तो अभी एक प्रॉब्लम हो गया, और पता है क्या प्रॉब्लम हुआ? अभी हम इतना डाल्टनगंज में बारिश हो रहा है ना, हम रेडी थे जाने के लिए मौली को लेकर के जाते, लेकिन देखिए बारिश, मौसम कैसा मौसम हो रखा है, पूरा बारिश बारिश एकदम। तो मम्मी निक्की वही बोल रही है कि इतना बारिश में लेकर के कहाँ जाओगी, पूरा झिमझिम झिमझिम बारिश हो रहा है, उसको जाने का बहुत मन है। हम भी सोचे कि ठीक है हम ले जाएंगे, लेकिन ऐसे में फिर कहाँ ले जाए, पूरा किचकिच हुआ रहता है ना, और ऑटो ऑटो भी नहीं मिलता है, तो फिर जाने का कैंसिल। और यहाँ पे मौली, बाबू ब्राइटनेस कम करो, ब्राइटनेस कम करो। आप फिर गंजी नहीं पहना ना, वीडियो में इसी दिखा रहे हैं हम। मम्मी खाना खा रही है, और नहीं अब कैंसिल हो गया जाना, और क्या, कैसे ही आदमी क्या ही जाएगा, बारिश शुरू हो गया तो। तो अभी हो गया एक मजाक, मजाक पता है क्या, मौली अभी अभी देखिए बारिश ना रुका हुआ है, और उसका पूरा ध्यान था कि मम्मी बारिश रुका हुआ है, ये देखिए। वाह बच्चा वाह, अपने से पहन लोगी? गई हाथ धोने। हमको बोलती है ना मम्मी खिड़की के बाहर हाथ डाल के देखो बारिश रुक गया है, अब चलो ना मम्मी दिला दो ना हमको मम्मी, मतलब ऐसे बोलती है ना, तो हमसे रहा नहीं जाता है, मन इतना कचोट जाता है ना, लगता है कि बस सब कुछ इसके लिए। रेडी? हाथ धो के आओ, हम पहना दे रहे हैं। तो अभी निकल रहे हैं रिलायंस फ्रेश, और यहाँ पे रिलायंस फ्रेश रेड़मा में है, लेकिन हम कभी गए नहीं है वहाँ पे, खुले हुए तो बहुत दिन हो गया लेकिन हम गए नहीं है, आज पहली बार जा रहे हैं, वो भी मौली के चलते। देखो पुलिस दुकान पे चलना और पुलिस चलना। ठीक है, एक तो आ रहे ना मम्मी। ठीक है, दही मत लेना। बैठो, मिल गया अभी ऑटो हम लोग को, और मौली के चलते हम लोग जा रहे हैं अभी रिलायंस फ्रेश। चलो वहाँ प्रणाम करो, आज मंगलवार है, मंदिर भी चलेंगे, प्रणाम करो। प्रणाम करी? पूरा खुश, पूरा खुश, पूरा खुश। तो ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं डाल्टनगंज का ओवर ब्रिज। नहीं नहीं तुमको नहीं गिराएंगे। मौली ना पता है, मौली बहुत खुश है कि वो इसको आज बहुत दिन के बाद हम कहीं ले जा रहे हैं, इसलिए बहुत खुश है, और इसी के चलते हम जा भी रहे हैं। देखो इधर से गाड़ी हो जा रहा है, ले लो लीजिए बाबा। आओ आओ आराम से, धीरे धीरे आना बेटा, आओ आओ निकी। आओ अब मौली का देखना, आ जाओ
तो अनमोली के वजह से पहुंच रहे यहाँ पे, मतलब डाल्टनगंज में इसको खुले बहुत टाइम हो गया लेकिन आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। आओ क्या? हाँ हाँ अभी अभी इसको नहीं लेना है, हम दिलाएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी इधर आओ ना, आ जाओ इधर आओ, अभी इधर आओ। हाँ क्या लेंगे? अभी यहाँ से लेंगे, आओ इधर आओ, लेंगे बेटा लेंगे, इधर आओ इधर आओ, ले रहे हैं इधर आओ। बस मौली घुसी, शुरू उसका मम्मा ये मम्मा वो। वाओ गाइस, यहाँ पे जो ये रिलायंस फ्रेश खुला है यहाँ पे पता है लिफ्ट भी है। मौली पूरा खुश ना बेटा कि मम्मी बाहर घुमाने ले आई, और मौली देखिए अपने लिए क्या क्या सामान खरीदी है, और जो भी लिया ना इसके टिफिन के लिए लिए है कुछ कुछ स्माइली वगैरह ये सब। चलो लाओ दिखाओ मम्मा को, है क्या चीज? दिखाओ जरा, ये क्या है? स्टील है? नहीं देखो देखो, ऐसे पिघला हुआ क्या अच्छा है? ऑरेंज वही अच्छा है। हाँ। जाओ तो उसको रख के आओ। आओ देखो ऑटो मिल जाता है तो। उधर से उधर से। अरे चलो चलो चलो, आओ इधर से आओ, निकल रहे हैं अभी यहाँ से, और पता नहीं ऑटो मिलेगा कि नहीं, एकदम अंधेरा हो गया है, सामान इतना हो गया ना। आओ हम लोग यहाँ से निकल गए, मौली ने एकदम परेशान कर देती है ना एकदम, मम्मी वो भी एकदम परेशान हो जाते हैं, अंधेरा है पता नहीं आप लोगों को दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे देखिए बैठी है फुनचुनिया, अभी आए घर। हाँ पैर धो लेना ना बाबू, पैर हाथ धो। संजोत दिखाई थी मम्मी, ये तुम मॉल से क्या है ये? स्किटर्स, ये तुम किसी को खाते हुए देखी थी क्या? हाँ। तभी तो वहाँ पे चिल्लाने लगी कि स्किटल्स लो, है ना? अच्छा और पता है आप लोग को मौली ना एक बुक भी ली है, ये देखिए ये बुक मौली ली, देखी ना तो बोलती है ना मम्मा हमको ये बुक दिलाओ इसमें हम कलर करेंगे, हमको ना बोलने भी नहीं बना, हम बोले चलो ठीक है ले लो, है ना बेटा? हाँ। तुम खुश हो ना? ठीक है अच्छा, और हाँ और ये ली है और ये ली है। अभी हो गया रात और हो रहा है एकदम जोर का बारिश, पता नहीं डाल्टनगंज में ना एकदम बारिश रुक ही नहीं रहा, एकदम कंटिन्यू बारिश हो रहा है। देखिए एकदम आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, है ना? एकदम बारिश हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, रुकने का तो नामो निशान नहीं है बारिश रुकने का। और यहाँ पे मौली अभी मोबाइल में बिजी है, बुढ़िया दादी। और टाइम क्या हो रहा है हम दिखा रहे हैं, टाइम हो रहा है 10:00 अभी, रात का 10:00 और आज मंगलवार है ना, आज से हम संकल्प लेकर के पाठ शुरू किए हैं, तो अभी जस्ट पाठ ख़त्म भी किए। और एक चीज़ अभी मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड अब कोई भी वीडियोस ना मेरे सेकंड वाले चैनल पे आएगा, शिवानी भक्ति चैनल के नाम से वो चैनल ओपन किए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और 11 दिन का संकल्प कैसे करना है उसको हम शुरू से अच्छे से उस चैनल पे फिर एक वीडियो डालेंगे, तो उसका लिंक भी हम डाल देंगे, और आप लोग जाकर के ज़रूर से देखिएगा, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा उस चैनल को, क्योंकि और वहाँ पे हम रिप्लाई भी ज़रूर देंगे एक एक लोग का जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड होगा, क्योंकि इस चैनल पर ना नहीं हो पाता था इसलिए हमें नहीं एक अलग से चैनल होना चाहिए। और यहाँ चल रहा है, मम्मी तो लेटी हुई है, पापा आज टी शर्ट पहन लिए हैं मेरे बोलने पे, निक्की बैठी हुई है, यहाँ पे चल रहा है प्रवचन। मेरे घर में अक्सर प्रवचन ही चलेगा या फिर भजन उजन चलता है, हम तो रहते तो भजन ही चलता है, हम रहते तो मेलोड्रामा नहीं देखने देते हैं निक्की को ना, निक्की
और आज हम लोग गए वहाँ पे ना, तो मॉली के लिए पता है कुछ कुछ सामान लिए। मेरे घर में ना मतलब यहाँ पे कोई उतना बटर चीज़ ये सब लोग नहीं खाते हैं, तो ये सब चीज़ घर में रखते भी नहीं थे। लेकिन आज मॉली बोली ना कि टिफिन में तुम हमको कुछ और नहीं देती हो, बस रोटी पराठा दे देती हो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी हम मॉली के लिए, जब हम शाम को गए थे तो मॉली के लिए हम इतना सारा सामान लाए खरीद के। और ये वाला तो मतलब ये सब चीज ना पहले से रखते नहीं थे घर में, लेकिन हम मॉली के लिए रखेंगे। तो ये लाए अमूल का बटर, और सैंडविच वगैरह बनाने के लिए ये चीज, ये बिस्किट, मॉली जो बोली हम खरीद ले लिए, मेरे से जो बना, ये बिस्किट। और हम सोचे इसको थोड़ा बहुत कुछ हेल्दी भी देना चाहिए, ये और ये भी ले लिए, टिफिन में दे देंगे। ये एक जैम ले लिए, कभी कभी ब्रेड जैम दे दिए, कभी छिलका दे दिए, कभी कुछ दे दिए, ऐसे करके। और एक ये, बस इतना सारा सामान लिए। हाँ बता दिए, ये भी बता दिए बेटा। ये सनड्रॉप का पीनट बटर है, जो कि ब्रेड के साथ बाबू को लगा करके देंगे ना। बाबू खाएगी ना मेरा बच्चा खाएगा ना मेरा लड्डू खाएगा ना। नहीं बहुत टेस्टी लगेगा बाबू, अच्छा लगेगा। और एक चीज मॉली के लिए ना, एक तेल लिए फिगारो, इसको मालिश करने के लिए। ये नहीं था तो पता है किस चीज से मालिश हम कर रहे थे, ये वाला तेल है ना, इससे या फिर मतलब दोनों पैर में ही लगाते थे, या फिर सरसों तेल से। हाँ हम लगा दे रहे हैं, तेल लगाते हैं बेटा। ठीक है हम लगा दे रहे हैं। तो मतलब बच्चा कुछ बोल देता है ना, हाँ मम्मी ये चीज चाहिए, और अगर आप नहीं कर पाइए तो बहुत अफसोस लगता है। हम आज पता है सोशल मीडिया पे भी हम डेली ब्लॉगिंग इतना चेत से करते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं कारण ना मेरा बच्चा भी है, क्योंकि हमको ना टाइम पे इसके लिए सब कुछ करना होता है। इसका सबसे पहले तो फी वगैरह होता है, और भी चीज़, बच्चा का डेली का खर्चा कुछ ना कुछ होता है, हर छोटा छोटा चीज़ खर्चा बच्चे का आप लोगों को पता ही है कि हम ही कर रहे हैं। तो कहाँ से कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कर रहे हैं, इसलिए डेली ब्लॉगिंग मेरा, हम इस चीज़ को लेकर के ना अब थोड़ा सा सीरियस हो गया है, लगता है कि नहीं अब ये नहीं तो क्या करेंगे, और ये ज़रूरी है मेरे बच्चे के लिए। तो गाइस फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, और सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आप लोगों का होना बहुत मैटर करता है मेरे लिए। चैनल पे अगर पहली बार हमको देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा, और कोई भी सजेशन देना चाहते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ बोलेंगे कि हम, मेरा जब डाइवोर्स हो जाएगा तो हम ससुराल से रिलेटेड कोई भी चीज़ अपने चैनल पर पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे ससुराल वाले को, मेरे हस्बैंड को डाइवोर्स फाइल करना पड़ेगा, और जब तक नहीं ये लोग करेगा तब तक तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। अब इन लोग को हम मजबूर करेंगे कि डाइवोर्स दो, और अगर हम गलत बोल रहे गाइस तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। हमको कोई शौक नहीं इन लोग के बारे में बोलने का, लेकिन अब हम बोलेंगे क्योंकि ये लोग हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। और जब सब कुछ हो ही गया पब्लिकली, जब पब्लिक के नज़र में हम भी आ ही गए हैं, तो फिर क्यों छुपाना और कैसा छुपाना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं ये सारा कुछ। अगर हमको आज मेरे ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता ना, तो शायद हम ये कर भी नहीं रहे होते, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो आदमी क्या करेगा, करना ही है, तो ये सारा कुछ है। तो गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू। क्या अभी बैग नहीं लेना है बेटा?